सवेरा जी अम्मी, बेटा तैयार हो गई? हो गई हूँ अम्मी, बस लेकिन अम्मी मुझे किसी से भी मिलने का दिल नहीं चाह रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं अनस को कॉल करके कैंसिल कर दूँ। कैसी बातें कर रही हो ये तुम, क्या हो गया तुम्हें? अनस तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाह रहा है बेटा। वैसे तो तुम अपनी कोई दोस्त बनाती नहीं हो, तो अच्छा है ना उसके दोस्तों से मिलोगी तो दोस्ती तो बनेगी ना तुम्हारी किसी से। लेकिन इतना तैयार होना जरूरी है क्या? अनस ने मुझसे कहा था कि सवेरा से कहिएगा कि अच्छे से तैयार होकर आए, वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। लेकिन खुशी का तैयारी से क्या ताल्लुक है? एक तो तुम ना बहस बहुत करती हो और मेरी बात समझती ही नहीं। अच्छा सुनो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आने ही वाला होगा। और ये इयररिंग्स भी पहन लेना। अब ज्वेलरी भी पहननी पड़ेगी? क्या हो गया सवेरा? सिर्फ इयररिंग्स पहनने के लिए कह रही हूँ, और तो कुछ नहीं कह रही। ठीक है अम्मी, आपके कहने पे पहन रही हूँ, लेकिन उसको प्लीज क्लियरली ये चीज बता दीजिएगा कि मुझे बनने सवरने का कोई शौक नहीं। तुम्हें पता है शादी के बाद इससे ज्यादा हैवी जोड़ा पहनना पड़ेगा तुम्हें और हैवी ज्वेलरी, समझ गई? लो आ गया, अब जल्दी से शाबाश तैयार होकर आ जाओ, मैं उसे देखती हूँ। दरे मुस्तफा पे रखा जो सर, कोहने दा से आई है ये खबर। दरे मुस्तफा पे रखा जो सर, कोहने दा से आई है ये खबर। तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो कजा हुए थे नमाज में। बलगल उला बेकमाले ही, कशफ दुजा बे जमाले ही। बलगल उला बेकमाले ही। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी है तुमने उमर। मुझे पहली दफा पता चला है कि तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है। थैंक यू, तुम्हें नातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी तुम्हें यूं चलता फिरता सुनता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। बल्कि मुझे तो याद है कि तुम बचपन में स्कूल कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेती थी नातों के। मुझे शौक बाबा को देख के हुआ था, बाबा भी हमेशा नातखानी में जाया करते थे। तुम में बहुत अच्छा बदलाव आया है। जिस तरह तुम दीन के रास्ते पर आए हो, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें साबिर कदम रखे। आमीन। आमीन। उमेर, चाय। मुझे पता था इस वक्त तुम्हें चाय की जरूरत होती है। थैंक यू, मेरा तो वाकई बड़ा दिल चाह रहा था। फातिमा तुम पियो? नहीं थैंक यू, तुम लोग पियो। Excuse me, मुताहिर का फोन है।